एक्टिव व्यूअर्स, जैसे मैं फैजान, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ डाइवो एक्सप्रेस के बस स्टैंड पे, और इस वक्त जो मेरे पीछे बस खड़ी हुई है ये डाइवो एक्सप्रेस की ड्रैगन बस है, जो कि इनकी काफ़ी मतलब अच्छी बस है, काफ़ी प्रीमियम है। तो इसका रिव्यू आपको देता हूँ, इसका इंटीरियर कैसा है और इसके रूट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। ये डाइवो एक्सप्रेस का लाहौर वाला जो कलमा चौक का टर्मिनल है, इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये वाली जो बस है ये की वॉल्वो बस है, इसका भी रिव्यू आ रहा है मेरे चैनल पे, इसको भी देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है डाइवो एक्सप्रेस का लाहौर का कलमा चौक टर्मिनल, और यहाँ पे डाइवो एक्सप्रेस की ये बसेज आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल बसेज खड़ी हुई हैं। और ये जो ड्रैगन बसेज हैं, ये इनके काफ़ी आइकॉनिक बसेज हैं, और देखने में इनका जो स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक लगता है। जैसे कि आप इनकी लाइट्स पर फोकस करके देख सकते हैं, काफ़ी ऊँची बसेज हैं। हाइट की अगर बात की जाए तो बाकी बसेज की नस्बत इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो डाइवो की कुछ जो रूट्स हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा रूट्स पर वर्क करती है, लाइक लाहौर फैसलाबाद, लाहौर इस्लामाबाद, कुछ कराची के रूट्स हैं वहाँ पे भी चलती है। तो बस देखने में भी काफ़ी अच्छी है, और इसका इंटीरियर कैसा है वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये टर्मिनल के कुछ व्यूज़ आप देख सकते हैं, ये छोटा सा टर्मिनल है डाइवो का, जो मेन टर्मिनल है वो डाइवो का ठोकेवल है। तो जब भी आप कभी ट्रैवल करें तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें, और डाइवो को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने इसकी फैसिलिटी दी हुई है। एंड जब भी आपने सफ़र करना हो तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि फेस मास्क के बगैर अंदर आना मना है। तो ये टर्मिनल जो है इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, मतलब आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल स्टाइल में बसेस को पार्क किया हुआ है एक ही लाइन में, तो ये काफ़ी अमेजिंग साइट क्रिएट कर रही है। तो डाइवो वालों की एक और अच्छी बात आपको बताता चलूँ कि इनका स्टाफ इतना प्रोफेशनल है, इतना वेल ट्रेंड एंड वेल मैनर्ड है, कि मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले इनसे परमिशन ली कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो इन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया, मतलब कैटियसली बिहेव करते हैं एज़ कम्पेयर टू फैसल मोर। वो फैसल मोर वाले तो लड़ने लग जाते हैं कि पता नहीं जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइवो को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टर्मिनल की बैक साइड है, यहाँ पे वॉल्वो B111R बस खड़ी हुई है, इसका व्लॉग भी आ रहा है, ये कुछ यूट्यूबर्स भी शूट करने आए हैं मेरे अलावा भी। तो चले आए बस में चलते हैं। ये बस की स्टेयर्स हैं जिसके थ्रू आप बस के अंदर जा सकते हैं। तो ड्रैगन का जो ड्राइविंग एरिया है वो ये आप देख सकते हैं, सीट्स जो हैं वो पैसेंजर्स की तरह की हैं, और जो स्पीडोमीटर है, डैशबोर्ड है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं मीटर पे बस भी बनी हुई है, स्टेयरिंग के ऊपर ड्रैगन का लोगो है, और इसके अगर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं जिससे बस को कंट्रोल किया जाता है, और ये विंडो है एक बड़ी सी जिसके साथ एक वॉल्वो बस खड़ी हुई है। तो इस बस की सीट्स कैसी हैं उसके बारे में अगर आपको बताता चलूँ, तो ये सीट्स जो हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो बस के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये डाइवो की ड्रैगन बस है, ब्लू और कुछ गोल्डन सा कलर है इसका कम्बिनेशन है इसकी सीट्स का। और सीट्स की अगर बात करें तो काफ़ी खुली डुली सीट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो मेरे पीछे भी यूट्यूबर्स आए हुए हैं कुछ, वो भी शूट कर रहे हैं वीडियो। तो डाइवो एक्सप्रेस वालों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने हमें स्पॉट किया। फैसल मोर की नस्बत फैसल मोर वाले तो कहते हैं वीडियो नहीं बनानी, पता नहीं क्या उनको मतलब इशू होता है। तो डाइवो वालों ने बहुत अच्छा स्पॉट किया हमें, वीडियो बनाने में हमारी मदद की। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशनल कंपनी, बाकी फैसल मोर वालों को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये डाइवो एक्सप्रेस की ड्रैगन बस है, जो कि काफ़ी इनकी प्रीमियम बस है। इसकी आप सीट्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट सीट्स हैं। इनमें आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मिलते हैं दोनों साइड पे मिलता है, जो किसी बस का प्लस पॉइंट होता है, जिससे आपके हाथ नहीं थकते। इसके अलावा यहाँ पे फुट रेस्ट भी मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। और अच्छी बात यह है कि ये सारे सही हैं, कुछ बसेस के ख़राब होते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे एक टेबल मौजूद है, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, अपना यहाँ पे कप रख सकते हैं, और ये देख सकते हैं ये कुछ पॉट्स मौजूद हैं। तो इसकी सीट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास की कैटेगरी की ये जो बस है, ये एक बहुत कम्फर्टेबल बस है। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays.
अब अगर डिटेल में आपको बस की सीट्स के बारे में बताता चलूँ तो बस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एक तो ये काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, और जिन लोगों ने भी इन ड्रैगन की प्रोडक्ट पे ट्रैवल किया है तो उनको पता होगा कि इन सीट्स पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप सी फील आती है। जैसे मैंने शायद कोच वाले व्लॉग में मेंशन किया था कि इनमें आपको मतलब आके ना एक यूनिक सा एनवायरनमेंट मिलता है। तो सीटें काफ़ी बड़ी हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। लेग स्पेस की अगर बात करूँ तो ये वाहिद बस है जिसके अंदर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लेग स्पेस मौजूद है। तो ये इसका टॉप है, मतलब इसकी रूफ है, और ये देख सकते हैं आप, ये 2x2 वाला सिस्टम है इस बस के अंदर। ये एग्जीक्यूटिव क्लास की बस है। ये बस का आप देख सकते हैं AC मीटर है, और ये मतलब किसी कार की तरह लग रहा है। मुझे कार का नेम याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने इस तरह किसी कार में देखा है, तो ये भी यूनिक है। और ये जो टॉप एरिया काफ़ी बड़ा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डायवो की बस भी जा रही है और हम भी जा रहे हैं, और हमें भी इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।